हेलो हाय दोस्तों, आपका CM SA एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा प्रकरण था कार्बोहाइड्रेट। उम्मीद करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और जितने भी फैक्ट थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें बेहद जानना ज़रूरी है, आवश्यक भी है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका दूसरा देखें तो कुछ हमने वर्गीकरण तक कर लिया था कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 भाग है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले देखें तो हम कौन सा इसमें मोनोसेकेराइड में से उसके विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कि उससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले नंबर एक कौन सा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का आणविक सूत्र बता दिया गया था कल, क्या है, C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट का सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भी बता दिया गया था। अब देखिए सबसे पहले कि ग्लूकोज से कौन कौन से क्वेश्चन है, तो अगर यहाँ देखे जाए कि सबसे सबसे मीठी शर्करा सब सॉरी मीठी शर्करा सबसे मीठी शर्करा यानी मीठी शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज। फिर अगर इसका उपनाम देखें कि ग्लूकोज का उपनाम क्या है, तो मानव रक्त की शर्करा कौन सी, ग्लूकोज। या फिर इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज को ये ग्रेप्स या अंगूर या ग्रेप्स शर्करा, ये दो उपनाम से कई बार पूछ लिया जाता है कि मानव रक्त की शर्करा किसे कहेंगे, या ग्रेप्स या अंगूर में सबसे ज़्यादा कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है। और मानव रक्त में भी कौन सी पाई जाती है, अगर यहाँ देखें कि मानव रक्त में प्रति 100 ml में कितनी होती है, तो 80 mg प्रति 100 ml लीटर ब्लड में क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। फिर एक क्वेश्चन है कि मनुष्य में क्या सीधा ग्लूकोज का संचय होता है, क्या नहीं, मनुष्य में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ कहाँ होता है, या तो ये यकृत में होता है एंड मांसपेशी में। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है कि ग्लूकोज का संचय मनुष्य शरीर में कहाँ होता है और किसके रूप में होता है। तो ग्लूकोज का संचय मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत और मांसपेशी के रूप में होता है। ये तो ये है ग्लूकोज। नंबर दो कौन सी थी, फ्रक्टोज। इससे क्वेश्चन ये निकलता है कि सबसे मीठी शर्करा या इसे कहते हैं शहद की शर्करा, क्योंकि शहद में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, शहद की शर्करा या सबसे मीठी शर्करा। तो दो ये महत्वपूर्ण तथ्य में से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कई बार उपनाम पूछ लिया जाता है। फिर नंबर तीन अगर देखें तो माल्टोज को क्या कहेंगे, माल्ट या जई शर्करा कहते हैं। माल्ट यानी अंकुरित अनाज में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, माल्टोज पाई जाती है। फिर नंबर चार सुक्रोज को कहते हैं व्यापारिक शर्करा किसे कहेंगे, सुक्रोज को। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ देखे जाए तो गन्ने में कौन सी पाई जाती है, चुकंदर है, बीट्स है, सुक्रोज पाई जाती है। और सुक्रोज के गन्ने से क्या निकालते हैं, चीनी, तो चीनी में कौन सी होती है, सुक्रोज है, तो ये व्यापारिक शर्करा कहलाती है। ठीक, फिर मोस्ट है नंबर पाँच लैक्टोज से संबंधित अगर देखें तो लैक्टोज इसे दूध शर्करा कहते हैं। तो दूध की शर्करा कौन सी होती है अगर देखें तो वो लैक्टोज। क्यों कहते हैं, क्योंकि दूध में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य में कई बार सामान्य जो एग्जाम वगैरह होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार या प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि इन ये पांच प्रकार के जो शर्कराएँ हैं, इन शर्कराओं से संबंधित क्या इनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं।
शर्कराओं से संबंधित उपनाम कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ग्लूकोज का उपनाम क्या है, या फिर मानव रक्त की शर्करा किसे कहते हैं, अंगूर या ग्रेप शर्करा किसे कहते हैं, ग्लूकोज का मनुष्य शरीर में किसके रूप में संचय होता है, कहाँ होता है ये, और सबसे मीठी शर्करा कौन सी है ये। अब ये देखेंगे कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में से अगर देखें तो लैक्टोज, सुक्रोज और तीनों ये माल्टोज किस प्रकार की शर्करा है, डाइसेक्राइड है। इसकी इकाइयाँ भी कई बार क्या हो जाती है, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि तीनों की इकाइयाँ हैं, दो दो से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन कौन कौन सी दो इकाई होती हैं, उनसे कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो ये एक बार समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखो कि इसका देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी इकाइयां होती हैं। ये शर्करा और ये निर्मित इकाई, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये दोनों तीनों शर्करा में से दो दो इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि सुक्रोज की निम्नलिखित में से कौन सी दो इकाइयां होती हैं, तो सुक्रोज की दो इकाइयां होती हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज की इकाइयाँ होती हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लैक्टोज की इकाइयाँ होती हैं ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये दो इकाइयों से मिलकर क्या बनते हैं, लैक्टोज का निर्माण होता है। तो कई बार क्वेश्चन क्या, जैसे निर्मित इकाइयाँ यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनी शर्करा कौन सी है, ऑप्शन इस प्रकार से दिए जा सकते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या ग्लूकोज, ऑप्शन देकर कि कौन सी दो इकाइयों से, या फिर माल्टोज की दो इकाइयाँ होती हैं, या फिर लैक्टोज की कौन सी दो इकाइयाँ होती हैं, ये इससे संबंधित। अब देखें कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं, इसके बाद में अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पोषक पदार्थ में से तुरंत ऊर्जा कौन देता है, यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कहा जाता है कि धूप में खेल रहे खिलाड़ी को तुरंत एनर्जी की आवश्यकता है, तो उसे कौन से पोषक पदार्थ खाने की सलाह दी जाएगी, यानी कार्बोहाइड्रेट की सलाह की जाएगी। और इसमें क्या है, ग्लूकोन डी देते हैं यानी ग्लूकोज दिया जाता है, तो ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।